लड़ रहे हैं, बिना रूल के हम नहीं लड़ रहे। पहले ये बताएं नगर आयुक्त वाले के वैध कौन है, अवैध कौन है, और इससे पहले अगर हटाया तो हम एसोसिएशन हमारी तीनों है तो ये मान चलो हम जो है महानगर में मैं बच्चों के लिए और ईट से ईट नगर निगम का घेराव करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हमें चाहे किसी भी हद पर जाना पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। ये नगर आयुक्त की मनमानी नहीं चलेंगे। वर्दिया पहन पहन कर डंडे लेकर आते हैं, हम लोगों से कहते हैं हटा लो ये कर लो, तो हम ये पूछना चाहते हैं पहले ये जो नगर निगम के लोग अधिकारी जाए वहाँ हटाए, उसके बाद हमें ये दिखेगा कि वहाँ से हमारे साथियों ने हमारे भाइयों ने वेल्डिंग जो काम कर रहे हैं वेंडर वो अगर हटा जाते हैं तो हम अपना हटा लेंगे। पहले मेरे अधिकारियों से ये अपील है कि वो वहाँ जाए और उनको जिस तरीके से भी चाहे डंडे के जोर पर जुबान के जोर पर जैसे चाहे वो हटाए, जब वो हट जाएंगे तो हम अपना हटा लेंगे, और जब तक वो नहीं हटेंगे तो हम अधिकारी से लड़ेंगे झगड़ेंगे समझे। और हमारा ये कहना है अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई अगर हमसे बदतमीजी लड़की हमारे साथ वसूल की तो हम किसी भी हद तक पहुंच जाएंगे, हम फिर ये भूल जाएंगे कि हम तो एक फुटपाथ पर काम करने वाले हैं। हम उनसे ज्यादा ये कहना चाहते हैं नगर निगम वालों से कि आप जो है क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो, क्यों हमें अपने आगे लाना चाहते हो, हम आपके सामने खड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह चाहे हमें अंजाम कुछ भी हो मगर हम किसी भी कीमत पर आपका पीछा करेंगे, लखनऊ तक करेंगे, हाई कोर्ट तक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे, मगर आपको हम इस काम को करने नहीं देंगे। और आप देख रहे हैं hindraj.com, खबर वही जो आपके लिए सही। इस बार फिर मैं जनता के बीच में हूँ। प्रॉब्लम है जमालपुर में, यहाँ पे दो तरह के वेंडिंग जोन होते हैं, अचल और चल। यहाँ पे जो लोग पहले से यहाँ पे अपना बिजनेस चला रहे थे, इनका ये कहना है कि सरकार द्वारा आदेश पास किया गया है कि जो लोग पहले से चला रहे हैं उन्हें वो जगह मिलनी चाहिए, लेकिन अलीगढ़ नगर निगम के लोग उनके अधिकारी आके यहाँ से 24 तारीख से पहले खाली करने को कह रहे हैं जगह को। राम रहीम एसोसिएशन के लोग बैठे हैं और ये एसोसिएशन इसी यहाँ पे पहले इनका अपना कोई काम चलता था जिसको वेंडिंग जोन बनाने की बात चल रही है और इनको जगह नहीं देने की बात। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, राम रहीम के महानगर अध्यक्ष हैं, क्या पूरा मामला है ये बताएं। देखिए हम माननीय योगी जी से ये पूछना चाहते हैं, स्थान में बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान कानून बना के गए तो क्या उन्होंने ये कहा था कि दो तरह के कानून होंगे, मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा, हिंदुओं के लिए अलग होगा, सिखों के लिए अलग होगा, ईसाइयों के। संविधान कानून तो एक है हिंदुस्तान का। तो हम माने जिनसे नगर आयुक्त से और नगर निगम के सारे अधिकारियों से ये पूछना चाहते हैं कि ये सिर्फ जमालपुर में ही कानून क्यों बनाया जा रहा है कि हम लोगों को 24 तारीख 23 तारीख आए दिन हमें धमकाया जाता है, डराया जाता है। ये रेनिंग जोन जो है रामघाट रोड पर भी है, माने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के सामने भी है, ये जो बन्ना देवी पर भी है, वहाँ जैसे थे लोग ऐसे ही बरकरार काम कर रहे हैं। हमें आए दिन आनकर अधिकारी वर्दियाँ पहन पहन कर डंडे ले लेकर आते हैं, हम लोगों से कहते हैं हटा लो ये कर लो, तो हम ये पूछना चाहते हैं पहले ये जो है नगर निगम के लोग अधिकारी जाएँ वहाँ हटाएँ, उसके बाद जब हमें ये दिखेगा कि वहाँ से हमारे साथियों ने हमारे भाइयों ने वेंडिंग जोन जो काम कर रहे हैं वेंडर वो अगर हटा जाते हैं तो हम अपने आप हटा लेंगे। पहले मेरी अधिकारियों से ये अपील है कि वो वहाँ जाएं और उनको जिस तरीके भी चाहें डंडे के जोर पर जुबान के जोर पर जैसे चाहे वो हटाएं, जब वो हट जाएंगे तो हम अपने आप हटा लेंगे, और जब तक अगर वो नहीं हटेंगे तो हम अधिकारी से लड़ेंगे झगड़ेंगे समझे। और हमारा ये कहना है अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई अगर हमसे बदतमीजी लड़की हमारे साथ बदसलूक की तो हम किसी भी हद तक पहुँच जाएंगे, हम फिर ये भूल जाएंगे कि हम जो एक फुटपाथ पर काम करने वाले हैं। हम उनसे ज़्यादा ताकत रखते हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं उनसे तालीम में बड़े हैं, ये हमारे जो है ना प्रवक्ता हैं ये भी इल्म में को उनसे कहीं कम नहीं है, तो हम बिल्कुल उनसे ईंट से ईंट बजाने को तैयार रहेंगे अगर तो जुल्म हुआ। ये था लोगों के अंदर गुस्सा। राम रहीम के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, इनसे बहुत छोटे अल्फाज में जानना चाहूँगा दिक्कत क्या आ रही है कि नगर निगम पहले जमालपुर से कार्रवाई कर रही है ये दिक्कत आ रही है, या जो आदेश आप लोग कह रहे हैं पारित किया गया है सरकार की तरफ से उसको नगर निगम नहीं फॉलो कर रहा है और उसके वजह से आपको जो परेशानी आ रही है ये दिक्कत आ रही है, तो ये मेन दिक्कत क्या है? ये 2014 में फेरी नीति के तहत एक कानून बना कि जिससे फुटपाथ पर बैठने वाले जितने भी व्यापारी हैं अपना कार्य करने वाले और उनको एक 300 रुपए की रसीद कटी थी, उस रसीद के माध्यम से वेंडरों को जो है का उनको देखा गया था कि ये पुराने वेंडर हैं कितने, और ये 30-35 वर्षों से जो है का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। वेंडिंग जोन की लड़ाई हमने जो है कानून के दायरे से लड़ी है और कानून के दायरे से लड़ेंगे, और ये वेंडिंग जोन की मांग हमारी जो है पूरे महानगर में हमारी दो और तीन एसोसिएशन हैं, तीनों एसोसिएशन लगातार लड़ती चली आ रही हैं, और टाउन वेंडिंग कमेटी का भी गठन हुआ है। इससे कुछ दिन पहले माननीय नगर आयुक्त जो है क्या नाम है उन्होंने भी अखबार के माध्यम से दैनिक जागरण में दिया है कि बिना टाउन वेंडिंग कमेटी की विचार विमर्श की समिति के बिना
कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। अभी टाउन बेंडिंग कमेटी का भी गठन नहीं हुआ है। इससे पहले ये वैध और अवैध की हमें परिभाषा बताइए कि वैध वेंडर कौन है और अवैध कौन है। उनके कहने से अवैध वेंडर नहीं माना जाएगा। एक क्या नाम है, पहले जब बेंडिंग जोन बने 40 महानगर में बनने जा रहे हैं और कार्य हो चुका है पूर्ण, तो यहाँ पर जो वेंडर बैठे हुए थे तो नगर निगम के अधिकारी आए, बोले भाई ये आपके लिए बनना है और आप आगे बैठ जाएं। सारे हमारे वेंडर जितने भी रेड़ी पटरी पर काम करने वाले थे उन्होंने समायोजित होने के बाद आगे को बैठ गए। जब बन गए उन्होंने अपना कोच कार पीछे को रख लिया है। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई इनको पटरी दुकानदारों को पहले समायोजित करें उसके बाद आगे को हटाएं। और हमने माननीय जिलाधिकारी को, मुख्य सचिव के आदेश, हमारे प्रधानमंत्री के आदेश, सारे आदेश हमारे पास कॉपी रखी हुई हैं। हम रूल से लड़ रहे हैं, बिना रूल के हम नहीं लड़ रहे। पहले ये बताएं नगर आयुक्त वाले कि वैध कौन है अवैध कौन है। और इससे पहले अगर हटाया तो हम एसोसिएशन हमारी तीनों हैं तो ये मान चलो हम जो है क्या महानगर में मैं बच्चों के लिए और ईट से ईट नगर निगम का घेराव करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, हमें चाहे किसी भी हद पर जाना पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। ये नगर आयुक्त की मनमानी नहीं चलने देंगे जो। तो ये है, यहाँ पे लोग साफ साफ दिख रहे हैं, नाराज हैं, पदाधिकारी भी हैं। और पहले ये लोग यहाँ पे वेंडिंग का काम करते थे, वेंडिंग जोन में अपनी दुकान थी जो पहले, अब हटाने की बात चल रही है। तो जानना चाहेंगे आपसे कि मुख्य मुद्दा क्या है, कि मतलब कोई अल्टीमेटम मिला है जिसकी वजह से आप लोग को परेशानी ज़्यादा हो रही है? अल्टीमेटम यहाँ आए दिन हमारे बीच में आता रहता है और हम इस वेंडिंग जोन की काफ़ी दिन से लड़ाई भी लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम आगे तक लड़ते भी रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग आए दिन हमारे पास यहाँ आते रहते हैं और इन्हें हटाइए उन्हें हटाइए इन्हें हटाइए उन्हें हटाइए। आपके रामघाट रोड पर भी है वेंडिंग जोन, वहाँ सब लोग बैठे हुए हैं उसमें, वहाँ से भी नहीं हटाते। आप चले जाइए बन्ना देवी पर, बन्ना देवी पर सब सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं हटाते। देखिए आप दुनिया को छोड़िए, आप जाइए कचहरी पर, कचहरी पर पूरा रोड घिरा रहता है मोटरसाइकिलों से, वहाँ पे कोई भी अधिकारी उनके नाक के नीचे वहाँ अतिक्रम होता है, वहाँ से नहीं हटाएंगे। यहाँ गरीबों के लिए हटाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि वो दो रोटी अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं और यहाँ पे बैठकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनको हटाने की ज़रूरत पड़ती है। इनके लिए हम अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं, नगर निगम वालों से, कि आप जो है क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो, क्यों हमें अपने आगे लाना चाहते हो, हम आपके सामने खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह चाहे हमें अंजाम कुछ भी हो मगर हम किसी भी कीमत पे आपका पीछा करेंगे, लखनऊ तक करेंगे, हाई कोर्ट तक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक करेंगे, मगर आपको हम इस काम को करने नहीं देंगे, हटने नहीं देंगे यहाँ से। साथ मौजूद हैं यामीन अब्बासी साहब जो MIM के जिला अध्यक्ष भी हैं और राम रहीम के प्रवक्ता भी हैं, तो इनके पास डबल जिम्मेदारी है, डबल सवाल पूछेंगे इनसे। और मैं बहुत संक्षेप में बताइए, क्या आप लोगों की नगर निगम से बात हुई और नगर निगम ने क्या कोई अल्टीमेटम दे दिया, जिस तरह से आप लोगों के अंदर गुस्सा दिख रहा है, तो उसके बारे में आप बताएं। नगर निगम के जो अधिकारी हैं 9 अगस्त से पहले दो मरतबा उनके यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी यहाँ हटाने का अल्टीमेटम देने आए थे। उसके बाद मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, उस समय जिलाधिकारी लखनऊ थे, उन्होंने कहा कि ADM सिटी पर चार्ज है। उस दिन तमाम राम रहीम फुटपाथ एसोसिएशन के माध्यम से और हम उसके बैनर तले ज्ञापन देकर के आए थे, 10 सूत्री ज्ञापन देकर के आए थे और ये हम कह करके आए थे कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश हिंदू या मुसलमान से नहीं चलेगा। क्योंकि कानून में, संविधान में सबके लिए बराबरी का हक है, तो संविधान में ये तय हुआ है 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो 2015 में ये नगर निगम एक्ट लागू हुआ। एक्ट का मतलब कानून होता है मुदेश्वर भाई, जब कानून बन गया कि जो आपके पथ विक्रेता हैं उनको आप समायोजित करेंगे, आप हटाएंगे नहीं, और उसी परिप्रेक्ष्य में प्रमुख नगर विकास सचिव के आदेश की कॉपी हमारे पास है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो शासनादेश जारी हुआ उसकी हम पे कॉपी है, प्रधानमंत्री द्वारा जो नगर निगम के जो यहाँ फुटपाथ पर बैठने वाले दुकानदार हैं उनको रजिस्ट्रेशन के बाद 10,000 का लोन, 10,000 अदा करने पर 20,000 का लोन, 20,000 अदा करने पर 50,000 का लोन। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हम अवैध वेल्डर थे तो हमें लोन कैसे मिला, हमें प्रधानमंत्री द्वारा सर्टिफिकेट क्यों जारी हुआ, और जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है जो ढकेल पर फुटपाथ पर बोर्ड लगाने के लिए हमें बोर्ड दिल्ली से उपलब्ध कराए गए उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी फोटो है
और हमारे दुकानदारों का भी फोटो है और उन्होंने दुकानदारों के परिश्रम को बैठने के लिए, कारोबार करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, पेटीएम सुविधा को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए, तमाम प्रोत्साहन के लिए हमारी तारीफ की है। तो जब प्रधानमंत्री का लिखा हुआ हमारे पास है, तमाम संविधान हमारे पास है, इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ज्ञापन दिया था और आज फिर ऐलान करके गए नगर निगम वाले। दूसरी बात, हमारे तमाम साथियों ने बताया कि बन्ना देवी पर चर्च के सामने एक साल पहले बैंडिंग जोन बन चुका है, जो दुकानदार पहले थे वो पहले बैठे हुए हैं, घंटा घर पर चाट पकौड़ी वाले बैंडिंग जोन बनाए, जो पहले से बैठे थे वो भी बैठे हुए हैं, आपके रामघाट रोड पर अहिल्याबाई स्टेडियम पर जो पहले से थे वो भी बैठे हुए हैं, आपका मदर डेयरी एक डेयरी है वहाँ पर, डेयरी पर भी वही बैठे हुए हैं, और तो और कल्याण सिंह के सामने जहाँ कूड़ा पड़ता था उस बैंडिंग जोन में कोई दुकानदार नहीं था, आज वहाँ तखत बंधे हुए हैं, आज ढकेल बंधे हुए हैं। यही काम जमालपुर में कुछ दुकानदारों ने कर लिया था, तो यही नगर निगम के कर्मचारी प्रातः सुबह आए और तमाम लोगों का सामान भर के ले गए और एक कूलर विक्रेता पर तो 5,000 रुपये का जुर्माना भी किया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हम तैयार हैं लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पहले यहाँ एक साल से बैंडिंग जोन बनाए, पहले बन्ना देवी चर्च हटाएँ, रामघाट रोड हटाएँ, घंटाघर हटाएँ, उसके बाद हमें आशंका है कि ये हमारे केवल एक बैंडिंग जोन मुस्लिम इलाके में आता है, हमें हटा करके कहीं पूंजीपतियों के हाथ में ये न सौंप दें और ये तमाम जो गरीब मजदूर जो 30-35 साल से यहाँ बैठ करके अपनी जीविका चला रहे हैं, इनके साथ कोई विश्वासघात न हो जाए। हमारे साथ मौजूद थे MIM पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके साथ राम रहीम के टीम के लोग जो कि यहाँ के वेंडिंग जोन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका मेन मुद्दा ये है कि जिस तरह से एक साल पहले रामघाट रोड और GT रोड पर जो चर्च है वहाँ पे बने थे वेंडिंग जोन और जो पहले वहाँ विक्रेता थे वो आज भी हैं, लेकिन ये नाइंसाफ़ी जमालपुर में क्यों हो रही है? क्योंकि जमालपुर में जो वेंडिंग जोन है, पूरे अलीगढ़ नगर निगम में एक ऐसा मुस्लिम क्षेत्र है जहाँ वेंडिंग जोन है, इन्हें डर है इस बात का कि कहीं हमें हटाकर किसी और पूंजीपति को ना दिया जाए। तो इस तरह से गरीब लोगों के लिए ये चिंता की बात है और नगर निगम के अगर अधिकारी इसको सुन रहे होंगे तो क्या लगता है कमेंट में बताएं कि ये जो चल रहा है क्या इसे आप भेदभाव कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि एक प्रशासन का अपना प्रोसेस है जो शुरुआत जमालपुर से कर रहे हैं? क्योंकि इनका ये कहना है कि शुरुआत जमालपुर से क्यों कर रहे हैं, जो अभी बना है एक साल पहले और जगह भी वेंडिंग जोन बना था वहाँ आप पहले क्यों नहीं हटा रहे थे? तो आप देख रहे थे जमालपुर वेंडिंग जोन के क्षेत्र में यहाँ पे बैठे लोग, इनका गुस्सा साफ साफ देखा जा रहा था। आप देख रहे थे hindraaz.com खबर वही जो आपके लिए सही।